नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। आयुर्वेद छात्रों ने भी सरकार के खिलाफ अब पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। आयुर्वेद कॉलेज के छात्र चार सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर चले गए हैं। छात्र मांगों को पूरा करने के लिए हर दिन नए नए तरीकों से शासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले छात्र छात्राओं ने हवन किया, शहर में रैली निकाली, ठेले पर सीएम और पीएम का पुतला बैठा कर रैली निकाली। रैली का तरीका नया था, हाथ में स्लोगन लिखी तख्तियां भी थी और साथ में नारेबाजी भी कर रहे थे। छात्र और छात्राएं कमिश्नर कार्यालय गेट के पास पहुंचकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, जिसके बाद अब आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है। उनकी मांग है कि आयुर्वेद के छात्रों को सीपीआई से लिंक किया जाए, जिससे सारे डॉक्टर्स का वेतन समान हो। साथ ही सभी सरकारी भर्ती एमपीपीएससी यूपीपीएससी के पेपर हर साल आयोजित हो। विश्वविद्यालय का अकादमिक कैलेंडर जारी करने के साथ आयुर्वेद छात्रों को मेडिकल लीव का प्रावधान मिले। इन मांगों को लेकर महाविद्यालय के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग अभी भूख हड़ताल में बैठ गए, आप लोगों की मांगें पूरी नहीं हो रही है, तो कब तक बैठेंगे और क्या रहेगा? हम अभी पिछले दो दिन से भूख हड़ताल में बैठे थे, लेकिन कल से हम आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। अब अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम पूरे के पूरे स्टूडेंट सभी आमरण अनशन बैठेंगे। प्रदेश स्तरीय हर जितने कॉलेज हैं प्रदेश में, सारे कॉलेज में लड़के आमरण अनशन बैठेंगे। अभी तक वॉलंटियर आपके लोग से कहीं बात हुई गवर्नमेंट से? एक हमारे कॉलेज की मेडिकल टीम अभी आई थी, अभी हेल्थ चेकअप करके गए हैं और बाकी सरकार से अभी कोई प्रदेश स्तर पर क्या आश्वासन मिल रहा है काम? अभी प्रदेश स्तर पर सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला है। अभी यहाँ कई चिकित्सकीय सेवा भी प्रभावित हो रही है सभी जगह और पूरे प्रदेश में हड़ताल है, तो अभी तक कोई प्रदेश के मुखिया द्वारा कोई संदेश भेजा गया या कोई आश्वासन दिया नहीं? अभी सरकार के द्वारा हमको कोई आश्वासन नहीं दिया है। यदि आगे आपकी मांगे नहीं पूरी हो रही तो क्या करें? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो जितने भी प्रदेश में जितने भी आयुर्वेद स्टूडेंट हैं सभी भोपाल में जाके वहाँ पे आमरण अनशन करने की तैयारी में लगे हुए हैं। अभी रिसेंट में कोई कांग्रेस समर्थन भी देने आया था आपने? जी, विपक्ष के नेता आए हुए थे हमारे पास, क्या बोला? उन्होंने बोला है कि अगर भविष्य में उनकी सरकार आती है तो वो हमारी मांगों को प्राथमिकता देंगे। क्या मानते हैं आपकी मांगों को लेके आने वाले चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में आयुष से लगभग 40 से 50 हज़ार छात्र होंगे और अगर उनके परिवारों को मिलाया जाए तो 2 से 2.5 लाख परिवार। मांगे क्या क्या हैं? हमारी मांगे हैं पहली की पीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 10 साल में एक बार आता है, तो उसको हर 1 या 2 साल में आए। और दूसरी मांग है कि जो सीपीआई की हमारी है उसको लिंक किया जाए, पीजी स्कॉलर और जो इंटर्न में छात्रवृत्ति मिलती है तो उससे। और तीसरी मांग हमारी जो है, जो हमारे सेशन लेट चल रहे हैं 2018 बैच 2019 बैच, ये 14 महीने और 19 महीने से लेट चल रहा है, तो उनके एग्ज़ाम जल्दी करवाया जाए और एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जाए यूनिवर्सिटी के द्वारा। और चौथी मांग है जो हमारे पीजी स्कॉलर्स हैं उनके लिए मेडिकल लीव प्रस्तावित की जाए। मेरा नाम जीतन जायसवाल है, मैं बैच 2018 का स्टूडेंट।